नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसपीटेक। गाइस, आज इस वीडियो में एक ऐसी ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। जी हां दोस्तों, अगर आपकी नीड है वेब पेजेस के यूआरएल को उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करने की और उसका ढूंढ रहे हैं आप एक ऑफलाइन सॉल्यूशन, तो आज इस वीडियो में एक स्क्रिप्ट की हेल्प से हम कितने भी यूआरएल्स को, चाहे वो 5 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 5000 हो, 10000 हो, 50000 हो, कितने भी यूआरएल्स हो, उनको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ एक स्क्रिप्ट की हेल्प से। जी हां दोस्तों, मैंने इस सिस्टम को पूरा ऑटोमेट बना दिया है। यानी कि सपोज आप किसी साइबर कैफे में बैठे हैं, आपके पास सिर्फ आधा घंटे का समय है, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर वेब पेज पे जाएं और उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करें और फिर उसको सेव करें, तो आप क्या करेंगे, लगातार वेब पेजेस ओपन कर लेंगे, उनके लिंक को नोटपैड में पेस्ट कर लेंगे, देन स्क्रिप्ट की हेल्प से उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देंगे। हो गया ना कितना आसान, बहुत ही मैजिकल एक प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है एंड तक, वीडियो को लाइक भी करना है और शेयर भी करना है, और वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं सीधे अपने पीसी में। सो गाइस, इस ट्रिक को फॉलो करने के लिए हमें जरूरत है एक टेक्स्ट फाइल की, जिसमें हम अपने सभी लिंक को यहां पर मेंशन करके रखेंगे। सपोज मैं बहुत सारी वेबसाइट विजिट कर रहा हूं और मैं अपने माइंड में ये स्टोर करता जा रहा हूं कि हाँ, मुझे इसको पीडीएफ में चाहिए, ये पीडीएफ में चाहिए, ये पीडीएफ में चाहिए। तो इस तरीके से आप एक फाइल यहां पे क्रिएट कर लेंगे, जैसे मैंने यहां पे कर रखी है link.txt की, मैंने फाइल यहां पे क्रिएट कर रखी है और यहां पे कुछ 5-6 लिंक मैंने लाइन बाय लाइन, ठीक है, आपको एक लाइन में एक ही लिंक यहां पे रखना है, इस तरीके से आपको यहां पर मेंशन कर देना है। अब ऐसा नहीं कि यहां पे आपके पास कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको 2 लिंक, 3 लिंक, 4 लिंक, 5 लिंक की करने हैं, आप 10 कीजिए, 100 कीजिए, 1000 कीजिए, 10000 कीजिए, 5000 कीजिए, कितने भी लिंक आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं और सबको आप एक क्लिक में ही एक स्क्रिप्ट जो मैं आपको बताऊंगा उसकी मदद से सभी लिंक्स को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तो मैं आपको बताऊंगा, यहां पे एक प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं। जैसे सपोज यहां पे गूगल पे सपोज विकिपीडिया ही ले लीजिए, विकिपीडिया का कोई आर्टिकल या फिर कुछ भी, कोई वेबसाइट का आर्टिकल, कुछ भी आप सर्च करना चाहें, जैसे सपोज रशिया के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं और रशिया का आप यहां से लिंक कॉपी कर लेंगे ऊपर से और यहां पे अपनी इस टेक्स्ट फाइल में यहां पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ठीक है, लाइन बाय लाइन होना चाहिए और इस तरीके से फिर आप अपनी इस फाइल को सेव कर देंगे। फाइल का नाम आप कुछ भी रखेंगे, सिंगल वर्ड में .txt, जैसे मैंने यहां पे link.txt रख रखा है, आप फाइल .txt कुछ भी रख देंगे। देन एक फोल्डर आपको चाहिए, जिस फोल्डर में आपके ये सभी लिंक कन्वर्ट होकर डायरेक्ट पीडीएफ में आएंगे, ठीक है, तो वो फोल्डर भी आप क्रिएट कर लेंगे। मैंने यहां पे एक आउटपुट नाम से फोल्डर यहां पे क्रिएट कर दिया है, आपको जस्ट राइट क्लिक करके न्यू पे जाना, फोल्डर पे क्लिक करना है और उस फोल्डर का नाम रिनेम करके आउटपुट नाम से या फिर किसी भी नाम से आप ये फोल्डर क्रिएट कर देंगे। ओके, अब बेहतर रहेगा कि मैं इन फोल्डर्स को किसी ऐसी जगह रख दूं जहां पर से मैं इनको डिलीट ना करूं, जिससे कि अगर सपोज मैं फ्यूचर में स्क्रिप्ट रन करूं तो ये जो डायरेक्टरी है वो मिसिंग ना है। तो मैं सपोज इन फोल्डर्स को यहां से कट करता हूं, ठीक है, कट करता हूं और सी ड्राइव में यहां पे पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, मैं इनको सी ड्राइव में पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आउटपुट और link.txt दोनों ही फाइल, एक फोल्डर और एक फाइल यहां पे आ गई है। link.txt में आप देख सकते हैं वो लिंक है जिन्हें हम पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, ये वो वेब पेज है, बिना ब्राउजर को ओपन किए ही ये टास्क आपका हो जाएगा, ठीक है, साइलेंटली, और ये आउटपुट फोल्डर है जो कि इस वक्त ब्लैंक है। अब हम चलेंगे स्क्रिप्ट की और स्क्रिप्ट लिखने के लिए हम यूज लेंगे अपने सिस्टम का डिफॉल्ट प्रोग्राम, डिफॉल्ट यूटिलिटी प्रोग्राम, जिसका नाम है पावर शेल, ठीक है। तो यहां पर आप चलेंगे स्टार्ट या फिर सर्च में आप जाएंगे और यहां पे लिखेंगे पावर शेल। आप चाहें तो डायरेक्ट स्क्रिप्ट लिख सकते हैं पावर शेल ऐप में जाके, या फिर आप पावर शेल ISE का यूज ले सकते हैं, ठीक है, जिसकी मदद से होगा क्या कि हम यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख के सेव कर सकते हैं और बाद में कभी भी उसको रन कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ISE ओपन करा है, ठीक है। ISE मतलब इंटीग्रेटेड स्क्रिप्टिंग एनवायरमेंट, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते हैं और नीचे आपका यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है वो रन होता है और आउटपुट जहां पर आना है वो आएगा, ठीक है, और कुछ आउटपुट ऐसा होगा जो आपको डायरेक्ट यहाँ पे शो होना होगा,
होगा डायरेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लिखनी है। स्क्रिप्टिंग अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्क्रिप्टिंग इस वीडियो का अहम पार्ट है और आपको मेरे साथ यहाँ पे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बहुत सारे वेब पेजेस हैं या फिर आप पढ़ाई ज्यादा करते हैं, वेबसाइट के कंटेंट को आप PDF में बाद में पढ़ना चाहते हैं, अभी के लिए जस्ट आप स्टोर करना चाहते हैं, कई बार इस तरीके की ट्रिक तब भी काम आ जाती है। सपोज आप साइबर कैफे जाते हैं, आधा घंटे का ही आपके पास टाइम है, आप फटाफट से वेबसाइट विजिट कीजिए, लिंक उसका आप कॉपी कीजिए और एंड में ये स्क्रिप्ट रन कर दीजिए, सारी फाइल PDF में आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से टास्क परफॉर्म होगा। तो स्क्रिप्ट अब लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप डॉलर का साइन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे आप सोर्स फाइल। ठीक है, PowerShell में जो भी आप स्क्रिप्ट लिखते हैं वो केस सेंसिटिव होती है, इसलिए जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। ठीक है, देन इसके बाद सोर्स फाइल वो है आपकी, यानी कि हम कहाँ से वो लिंक उठा रहे हैं। तो सोर्स फाइल, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, मैंने यहाँ पे जो सोर्स फाइल क्रिएट की है सी ड्राइव में उसको पेस्ट कर दिया है, उसका नाम है link.txt, जिसमें मेरे पास सारे मेरे वो लिंक हैं जिनको मैं आउटपुट में लेना चाहता हूँ PDF में। ठीक है, तो यहाँ पे हम चलते हैं वापस से ISE में। तो मेरी जो फाइल है जहाँ पर है, तो मैं वहाँ का पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखूँगा c:\link.txt देन डबल स्ट्रिंग क्लोज। कॉपी एज पाथ पे क्लिक करके भी उस फाइल का पाथ यूज कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं वापस से ISE पे। ठीक है, एंटर बटन, देन डेस्टिनेशन फाइल, यहाँ पे वापस से डॉलर का साइन लगाएंगे DEST और फोल्डर, ये हमारा डेस्टिनेशन फोल्डर रहेगा और इस फोल्डर में सभी फाइल्स आएंगी। ठीक है, देन इक्वल टू का साइन, देन यहाँ पे डबल स्ट्रिंग आप लगाएंगे, सी ड्राइव में ही है मेरे, आपको जैसे कि बताया, आप चाहें तो डी ड्राइव में भी रख सकते हैं लेकिन डायरेक्टली आप वो यूज लेंगे। ठीक है, सी ड्राइव देन स्लैश देन आउटपुट नाम का फोल्डर है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। अगर आप स्पेलिंग और केस सेंसिटिव सही लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो डायरेक्टरी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, देन आप यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट के बाद आप एक स्लैश जरूर लगाएंगे, जिससे कि क्या होगा, आउटपुट फोल्डर में जो भी फाइल्स हैं वो क्रिएट होंगी। ओके, देन यहाँ पे एक वेरिएबल हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं नेम का, जो कि हर फाइल के शुरू में नजर आएगा आपको, और मैं उस फाइल का नाम रख देता हूँ doc, कोई डॉक्यूमेंट है। ठीक है, देन यहाँ पर एक और वेरिएबल यहाँ पे i मैं यूज लेता हूँ, जिसकी वैल्यू रखता हूँ 1। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जो फाइल क्रिएट होगी उनका नाम ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा, doc1, doc2, doc3, doc4, इसलिए मैंने यहाँ पे i से शुरुआत करूँगा, i की वैल्यू 1 होगी और 1 से शुरुआत करूंगा और वहां पर मैं एक इंक्रीमेंट एक्सप्रेशन यूज करूंगा आउटपुट में, कहां पे अभी आपको पता लग जाएगा। अब यहां पे आप यूज लेंगे फोर ईच, ठीक है, और यहां पे ब्रैकेट लगाएंगे और डॉलर का साइन, देन लिंक इन, कहां पर है लिंक, स्पेस, यहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज लेंगे और लिंक्स कहां पे हैं आपकी सिस्टम डायरेक्टरी में, तो यहां पे आप लिखेंगे system.io.file। ठीक है, देन यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, देन डबल कॉलोन यहाँ पे लगाएंगे आप, नॉट सेमी कॉलोन, ओनली कॉलोन, और वो भी डबल, देन यहाँ पे लिखेंगे आप रीड लाइंस, और कहाँ से लाइंस रीड करनी है, सोर्स फाइल से, तो यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, डॉलर का साइन सोर्स फाइल, देन यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, दो ब्रैकेट इसलिए क्लोज क्योंकि एक यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, देन आप एंटर यहाँ पे लगा देंगे, देन आप यहां पे एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ओके, देन अब यहां पे आप कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आप आउटपुट फाइल में क्या आपके पास फाइल नेम आएगा वो आप यहां पे डिफाइन करेंगे। तो मैंने यहां पे आउट फाइल यहां पे वेरिएबल लिया इज इक्वल टू, उसमें हम नेम रखेंगे, आपने जैसे कि ऊपर देखा मैंने नेम वेरिएबल डिफाइन किया, तो नेम की स्ट्रिंग यहां पे जुड़ेगी टू स्ट्रिंग ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज देन प्लस, और आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, यानी कि यहाँ पे डॉक आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी प्रिंट करेगी ये, और यहाँ पे हम आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना चाहेंगे तो यहाँ पे डॉलर लगाएंगे देन आई प्लस प्लस। ठीक है, दो बार प्लस का साइन आप लेंगे, देन स्पेस देंगे, देन प्लस और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डॉट PDF उसके आगे जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे PDF फाइल यहाँ पे क्रिएट होगी। ठीक है, ये फाइल का पूरा नेमिंग हो गया, हालांकि वो होगी PDF ही लेकिन उसमें एक्सटेंशन लगाना जरूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट PDF लगाया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर ये टास्क होगा किसकी मदद से, ठीक है, यहाँ पे हम क्रोम ब्राउजर का यूज ले रहा हूँ क्योंकि मैं अपने सिस्टम में क्रोम ज्यादा यूज लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर का यूज ले रहा हूँ। तो यहाँ
यहां पे आप एंड परसेंट का साइन लगाएंगे और अपने क्रोम ब्राउजर की जो एप्लीकेशन है उसका पाथ यहां पे लिखेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन कहां पे है आपकी, सी ड्राइव में जाएंगे, देन प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, देन प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे, देन यहां पे आपको मिलेगा गूगल, गूगल में जाएंगे, देन क्रोम में जाएंगे और एप्लीकेशन में जाएंगे। तो यहां पे आपके सामने chrome.exe की ये एप्लीकेशन आपको यूज लेनी है। अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज लेते हैं तो आप उसकी डायरेक्टरी में जाके उसकी exe फाइल यूज लेंगे, क्योंकि हम इन ब्राउजर से जो प्रिंट टू पीडीएफ जो फीचर होता है उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाले हैं और उसकी मदद से हम सभी वेब पेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और वो भी बहुत फास्टली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं chrome.exe ये पूरी डायरेक्टरी यहाँ पे यूज लेने वाला हूँ। यहाँ पे हम इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं chrome.exe का, राइट क्लिक करेंगे शिफ्ट के साथ और कॉपी एज पाथ आएगा और चलिए चलते हैं वापस से ISE में, यानी कि स्क्रिप्टिंग एनवायरमेंट में, और यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं पूरा पाथ यहाँ पर आ गया है। देन इसके बाद आपको एक स्पेस देना है, देन डबल हाइफन लगा के यहाँ पे लिखना है हेडलेस, देन स्पेस देना है, देन डबल हाइफन लगा के यहाँ पे अब आपको यूज लेना है प्रिंट टू पीडीएफ का फीचर। ठीक है, तो प्रिंट के बाद हाइफन, देन टू, देन हाइफन पीडीएफ। ठीक है, इस तरीके से आप प्रिंट टू पीडीएफ का फीचर का यूज यहां पे लेंगे। देन इक्वल टू, जब पीडीएफ में प्रिंट हो जाएगा आपका वेब पेज तो वो कहां पर जाएगा, डेस्टिनेशन फोल्डर में। और कैसे जाएगा, यहां पे आप डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, देन यहां पे डॉलर का साइन DEST डेस्ट फोल्डर। ठीक है, डेस्टिनेशन फोल्डर में जाएगा। ठीक है, देन वापस से डॉलर का साइन, देन यहाँ पे आउट फाइल और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, यानी कि एक आउट फाइल, जो ये आउट फाइल है वो यहाँ पे क्रिएट होगी किसके अंदर, डेस्टिनेशन फोल्डर में। इसके बाद आप यहाँ पे लिख देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डॉलर का साइन, देन लिंक। ठीक है, ये सब काम किसकी वजह से हो रहा है, लिंक्स की हेल्प से। अब यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हम नहीं चाहते कि स्क्रिप्ट फटाफट से अपना काम कर दे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो पीडीएफ में कन्वर्ट करे, इसलिए हम यहाँ पे एक स्टार्ट स्लीप फंक्शन का यूज लेंगे। यहाँ पे स्टार्ट हाइफन स्लीप, ठीक है, हाइफन एस और 3। ठीक है, जस्ट आपको ये स्क्रिप्ट लिखनी है और एंड में कर्ली ब्रैकेट जो यहाँ पे स्टार्ट किया था वो यहाँ पे क्लोज कर देना है। जस्ट आपको ये स्क्रिप्ट लिखनी है। ठीक है, अब आप देखिए कि आप की स्क्रिप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, नीचे आउटपुट का एरिया यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब मैं सी ड्राइव में चलता हूँ। ठीक है, लिंक्स में मेरे ये लिंक यहाँ पे ऑलरेडी है, आउटपुट फोल्डर अभी मेरा ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये स्क्रिप्ट रन करूँगा, आउटपुट फोल्डर मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको पता लग जाए कि हाँ फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है। ठीक है, और पावर शेल को हम यहाँ पे थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब मैं स्क्रिप्ट यहाँ से रन करता हूँ, रन स्क्रिप्ट यहाँ पे किया मैंने। अब आप देख सकते हैं स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो रही है। ठीक है, अगर कोई एरर आना होगा तो वो आपको यहीं पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फाइल क्रिएट होना शुरू हो गई है 3-3 सेकंड के अंतराल में, और डॉक 1, डॉक 2, डॉक 3, डॉक 4 जितने भी लिंक थे वो सभी यहाँ पे क्रिएट होंगे। अगर मेरे पास टोटल 6 लिंक है तो वो 6 यहाँ पे क्रिएट होंगे, अगर 5 है तो 5 यहाँ पे क्रिएट होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे कितने लिंक थे, 6 लिंक थे और यहाँ पे 6 डॉक यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, आप देख सकते हैं आपके सामने ही यहाँ पे जनरेट हुए हैं। अब मैं चलता हूँ लिंक पे और आपको शो करता हूँ कि हाँ ठीक है, जो एक्चुअल लिंक यहाँ पे है वो यहाँ पे प्रिंट होके आया है या नहीं आया है। ठीक है, सबसे पहले हम डॉक 6 ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं रशिया का जो विकिपीडिया पेज है वो यहाँ पे पूरा पीडीएफ में कन्वर्ट होके आ गया है विद इमेजेस। ठीक है, डॉक 5 आप देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक 5 में मेरे पास जो है नेचुरल गैस पे एक आर्टिकल है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगर डॉक 1 देखूँ तो हमारा चैनल यहाँ पे आ गया है। आप देख सकते हैं चैनल का जो पीडीएफ व्यू है वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, जो मैंने आपको शो कर रखा था, और ये इस तरीके से यहाँ पे आता है कि इनके लिंक भी वर्क करते हैं। जैसे सपोज मैंने पीडीएफ यहाँ पे प्रिंट निकाल लिया अपने चैनल का और इस पे क्लिक किया तो मैं डायरेक्ट इस वीडियो पे अपने जा पा रहा हूँ। ओके, चलिए दूसरी फाइल देख लेते हैं, डॉक 2 में देखते हैं। डॉक 2 में क्या है, यूक्रेन विकिपीडिया पेज है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इस लिंक फाइल में जितने भी लिंक्स थे उनको यहाँ पे पीडीएफ में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ दिस स्क्रिप्ट। ठीक है, अब आप चाहें तो इस स्क्रिप्ट को कभी भी यूज करने के लिए इसको सेव कर सकते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे, सेव एज करके आप कहीं पर भी डेस्कटॉप पर ही चाहे सेव कर लीजिए। ठीक है, ये सेव होगा PS1 एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, और सपोज मैं इसका नाम यहां पे दे देता हूं वेब 2 पीडीएफ स्क्रिप्ट। ठीक है, .ps1
एक्सटेंशन से आप सेव करेंगे। सेव कर दिया मैंने, इसको क्लोज कर सकते हैं अब आप। और डेस्कटॉप पे देखिए, यहाँ पे आपके सामने .ps1 यहाँ पे लिखा आ गई है, एक स्क्रिप्ट यहाँ पे आ गई। इसको रन करने के लिए राइट क्लिक करके आपके पास एक ऑप्शन आएगा रन विद पावर शेल, तो आप डायरेक्ट इसको रन कर पाएंगे। जैसे सपोज मैं यहाँ पर आउटपुट से सारी फाइल्स एक बार डिलीट कर देता हूँ, मैंने डिलीट कर दी, और आपको वापस से इस स्क्रिप्ट को रन करना है तो राइट क्लिक करके रन विद पावर शेल जस्ट आपको करना है। आपकी जो स्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली रन होती रहेगी और फाइल्स वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्रिएट होती रहेगी। यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको लेकर चलता हूँ सी ड्राइव में, आउटपुट में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रही है और स्क्रिप्ट यहाँ पे रन हो रही है। इस तरीके से आप कितनी भी फाइल्स, कितने भी HTML लिंक्स, कितने भी वेब पेज लिंक्स को आप PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा कितनी आसानी से हमने इस स्क्रिप्ट की हेल्प से, पावर शेल स्क्रिप्ट की हेल्प से इन URLs को PDF में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पे आपके सामने कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, एक चीज जो मैं अभी आपको ट्यूटोरियल के दौरान बताना भूल गया वो है ये। तो गाइज इस तरीके की स्क्रिप्ट को रन करने के लिए कई बार क्या होता है कि आपको जो अपने सिस्टम की पॉलिसीज हैं उसको ऑन करना पड़ता है, एग्जीक्यूशन पॉलिसीज को ऑन करना पड़ता है। अगर वो ऑन नहीं होती है तो कई बार ये स्क्रिप्ट वर्क नहीं करती है, खासतौर से ओल्डर वर्जन ऑफ विंडोज में। आप क्या करेंगे, सर्च में जाएंगे, पावर शेल सर्च करेंगे और पावर शेल को आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहां पे रन कर लेंगे। ठीक है, यहां पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको जस्ट एक लाइन यहां पे फॉलो करनी है। आप यहां पे लिखेंगे set-execution policy। ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉलिसी स्पेस अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन पॉलिसी है, इस तरह की जो स्क्रिप्ट है उनको एग्जीक्यूट किया जा सके आसानी से, वो जो रिस्ट्रिक्टेड होती है बाय डिफॉल्ट उसको हमने अनरिस्ट्रिक्ट कर दिया है, जिससे कि आप ये स्क्रिप्ट रन कर पाए। जस्ट ये लिख के आप एंटर बटन प्रेस करेंगे, वाई दबाएंगे, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे, आपकी एग्जीक्यूशन पॉलिसी जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड हो गई है, अब आप स्क्रिप्ट रन कर पाएंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तब आप ये करेंगे, अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। स्क्रिप्ट की चिंता मत कीजिए, हमेशा की तरह आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, लेकिन आप इस स्क्रिप्ट को ऐसे ही फॉलो कीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, आप डायरेक्ट पावर शेल में जाकर भी इसका यूज ले सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, और आप चाहें तो इसको सेव करके भी जब भी आप चाहें उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट आप डायरेक्टरीज का ध्यान रखिएगा, जो आप स्क्रिप्ट में मेंशन करके चल रहे हैं वो डायरेक्टरी आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, अदरवाइज स्क्रिप्ट वर्क नहीं करेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप देख लेते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो इससे आपका ही घाटा है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे ऐसे वीडियोस के। 1000 वीडियो होने वाले हैं बहुत ही जल्दी, और सोचिए 1000 वीडियो मींस 1000 के समथिंग, 1000 में से लगभग 800 के समथिंग ट्रिक्स तो मैंने आप लोगों के लिए बनाई रखी है। हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देखिएगा जरूर। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ, नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद, जय हिंद।